बहन से इतनी नफरत हो गई है कि उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं, और बीवी की चाकरी दिलो जान से चल रही है। आपकी वजह से उसकी ये हालत हुई है सैम। उसे इतना स्ट्रेस दिया कि डॉक्टर्स ने उसे बेड से भी हिलने से मना किया। तरस आता है मुझे तुम पे मिला, और मुझे आपकी सोच पर अफसोस होता है। आई मीन, बहन होकर भी भाई की खुशी के पीछे पड़ी है। मैं नहीं, तुम खुद हाथ धो के अपने सुकून के पीछे पड़े हो। मारिया की फरमाइशें पूरी करने के लिए जितनी तेजी से तुम पैसे कमा रहे हो ना, क्योंकि ये खर्चे अपनी सैलरी से पूरे तो होने वाले हैं नहीं। नई गाड़ी ले ली, रोज खाने बाहर से आ रहे, ये करके तुम मारिया को तो खुश कर रहे, लेकिन सच कहूं तो अपने लिए एक गड़ा खोद रहे। एक ऐसा गड़ा जिसमें बदनामी और जिल्लत का कीचड़ तुम्हारे दामन को दागदार कर देगा। अरे मैं अकेले नहीं कर रहा ये सब, हर कोई ऊपर की कमाई खा रहा है, और कुछ तो खा पी कर मर भी चुके हैं। उन्हें तो किसी ने नहीं पकड़ा, ना ही वो किसी गड़े में गिरे। हैरत हो रही है मुझे तुम पे बिलाल, किस तरह अपनी गलतियों के लिए एक्सक्यूजेस दे रहे हो तुम। अपनी बीवी की लाइफ को सिक्योर करना गलती नहीं है सैम, पर प्लीज मेरी और मारिया की जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर।